श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, गुरु जी ने पहले की कथाओं में यह उपाय बताया था। यह उपाय आपको एक नींबू और कच्चे दूध से करना है। पहले उपाय समझ लीजिए, फिर बता देंगे उपाय किसका है। देखिए, आप क्या करेंगे, जितना दूध आप पी सकते हैं उतना दूध लेकर मंदिर जाइए और भोलेनाथ को शिव पिंडी पर चढ़ा दीजिए और वही दूध आप हथेली में या कटोरी में झेल लीजिए। कटोरी में झेले, ठीक है। झेलने के बाद आपको शिव मंदिर की दहलीज पर ही बैठकर जो नींबू लेके गए उस नींबू को काट दीजिए। नींबू को काट कर उस नींबू का जो जूस है वह दूध में निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद उस दूध का आचमन, उस दूध को वहीं पर ही बैठकर आपको पीना है, ठीक है। अब यह उपाय किसे करना है, तो यह उपाय जिसको मसे हो जाते हैं, जिसको मसे की प्रॉब्लम रहती है, मुझे भी हो रहे हैं फेस पर, तो ये जो मसे हो रहे हैं इस मसे की बीमारी के लिए यह विशेष उपाय है। इस दूध को पी लेंगे तो नए मसे नहीं होंगे, मतलब हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाएंगे और नए मसे भी नहीं आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।